पर्सनल लेवल पर यूनुस खान और ममता सिंह किस तरह से के इंसान हैं और वो क्या चीज थी जो आप दोनों को जोड़ पाई है? यह होता है ना कि कई बार हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं और हमें ये लगता है कि ये हमारे तरह का है और वो जो आकर्षण होता है वो कई बार जीवन भर साथ चलता है। आप लोगों के साथ वो कौन सी चीज थी? हमारी शुरुआत लड़ाई से हुई थी। ये जो है ये थोड़ी रंगदार थी तो हमारी शुरुआत जो है वो लड़ाई से हुई थी और ये लड़ाई धीरे धीरे दोस्ती में बदलती चली गई और तब समझ में आया कि साहित्य वो डोर है जो हम लोगों को आपस में जोड़ती है, संगीत वो डोर है जो हमको आपस में जोड़ती है। हम दोनों के व्यक्तित्वों में बड़ा फ़र्क है। मैं बहुत शरारती हूँ, ये थोड़ी गंभीर है, ये कम शरारती हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ये थोड़ी कम बोलती हैं कभी कभी, कभी कभी ये ज़्यादा बोलती हैं तो मैं चुप रह जाता हूँ। तो वो जो हम एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं ये वाली बात है। आपके आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी, ये कौन सी चीज मतलब आपको लगा कि हाँ मतलब यहाँ जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है? देखिए पहला सवाल तो आपका था कि हम क्या खूबी है, ये अपने बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जब हमारी दोस्ती हुई तो हम यूनुस जी की खूबियाँ बता सकते हैं कि एक बेहतरीन इंसान, और एक बेहतरीन इंसान होने के बाद प्यार वो चीज़ है जो दो इंसान को जोड़ती है, और प्यार होना बहुत आसान है लेकिन प्यार को कायम रखना मुश्किल होता है। तो जो छोटी मोटी बुराइयाँ होती हैं, छोटी मोटी शिकायतें होती हैं, शिकवा शिकायतें होती हैं, उसे नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ते जाएँ तो प्यार कायम रहता है। बस वो प्यार ही वो डोर है जो हमें जोड़ती है, और साहित्य संगीत कला हम दोनों में कॉमन है तो जाहिर सी बात है पसंद नापसंद भी एक सी होती है तो हमें अच्छा लगता है। फर्स्ट मीटिंग का अगर मैं जानना चाहूँ, पहली मुलाकात, तो क्या रेडियो से ही जुड़ी है? बिल्कुल, हम दोनों एक ही बैच के थे और रेडियो में ही पहली मुलाकात हुई थी। एज अ कलीग हम लोग मिले थे लेकिन एक साथ फिर प्रोग्राम्स किए और तरह तरह की चीज़ें हुई और इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है वो गाढ़ा होता चला गया। जैसे कि सभी लोग जानते हैं यूनुस खान ममता सिंह आप लोग विवाहित हैं, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ है कि अरे मतलब दो बड़ी हस्तियाँ, दो एक जैसे इंसान साहित्य से जुड़े और जिसे जनता प्यार करती है एक साथ है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विवाद भी जुड़े और धर्म का अलग अलग होना, क्या मुश्किल आई इस राह पे आगे बढ़ने में कि हम लोग अब शादी का डिसीजन लेते हैं, ये क्या आसान था या मुश्किल? नहीं, ये आसान तो नहीं था। देखिए धर्म जो है वो हमारे देश में एक बड़ी अड़चन तो है ही, लेकिन एक चीज़ ये थी कि मैं अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त और ज़िद्दी नहीं हूँ, लिबरल रहा हूँ क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है और वो सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई लिखाई वाले तबके के लोग जो हैं वो थोड़े लिबरल हुआ करते हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ सामाजिकता के दायरे में ज़रूर आईं लेकिन वो हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाई। आपके लिए? मेरे लिए मुश्किलें ज़्यादा थी क्योंकि एक महिला एक लड़की के लिए हर माता पिता का सपना होता है, भाई बहनों का सपना होता है कि हम जहाँ ब्याह देंगे वहीं ये चली जाएगी, तो मुश्किलें इसलिए आई कि हमारे घर वाले नाराज़ हुए शुरुआती दौर में और मुझे एक जब शादी हो गई तो हमें भी ये बात लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया है तो घर वाले साथ होते हैं और फिर दोनों का मिजाज, दोनों का स्वभाव और यूनुस जी का बहुत ज़्यादा मतलब धर्म के साथ जुड़े नहीं जुड़े रहना, इनका ये प्लस पॉइंट है, तो हमारे घर वालों ने बहुत जल्दी से स्वीकार कर लिया और धर्म की दीवार अभी भी है, लेकिन बस यही बात कहूँगी कि प्रेम वो ताकत है, वो शक्ति है जो इस दीवार को फांद सकती है, तो बस प्रेम का जज्बा कायम रहे यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ, और दो धर्म दो जाति मायने नहीं रखते, बस दो लोगों के बीच प्रेम और प्यार मोहब्बत मायने रखती है।